नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। रोती हुई महिला मीना देवी, जिसके आंसू की थमने का नाम नहीं ले रहे, और ये इस कारण हुआ है, जब आदमी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे इंसान जानवर अच्छे बुरे का कोई समझ नहीं रहती। ऐसी ही एक स्वार्थ में अंधे युवक ने पीलीभीत के थाना बरखेड़ा के ग्राम दौलतपुर में आगजनी की घटना को अंजाम देकर दो जानवरों की हत्या कर पूरा घरवार फूंक दिया और लिख डाली पीड़िता मीना देवी की कभी न भूलने वाली जिंदगी की कहानी, जिसमें मीना देवी के घर का सारा सामान सुहा हो गया और रह गया तो मीना देवी का हृदय झकझोर डालने वाला रुदन प्रलाप। घटना को गांव के ही कमलेश गंगवार ने भूमि विवाद को लेकर अंजाम दिया था। मीना देवी ने पुलिस अनहोनी की आशंका व्यक्त कर सूचना दी थी, लेकिन ये पुलिस है जिसके कानों पर तब तक जू नहीं रेंगती जब तक घटना घटित ना हो जाए। जगह के पीछे विवाद था कमलेश। कौन है कमलेश गंगवार? ये गंगवार है कमलेश, दौलतपुर रोड पर रहता है, जहाँ उसकी बराबर में जगह है, तो खाद की दुकान है। हाँ। क्या करा उन्होंने? उन्होंने कहा हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये घर में आग वगैरह लगाई है वो? हाँ, उन्हें लगाई है हमारे घर में आग। तो आपने पुलिस वगैरह को जानकारी दी? जी, जानकारी हमने सबको दी, सबको हमने कहा। हमारे हम उस दिन विधायक के पास भी गए थे, तीन गाड़ी आई, हम वहाँ भी गए के आए, हमारी जगह हमने गए, हमारी सब किसी ने मदद ना करी। SDM ने हमारी मदद करी कल। SDM सब आई? हाँ, SDM हमारे घर पर खुद आई थी। तो रात कितने बजे की घटना है? ये 11:30 बजे का टाइम घटना है भाई, 11:30 बजे। बहरहाल अब अधिकारी महोदय कह रहे हैं रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच की जाएगी, एक कानून व्यवस्था का आलम दिखाई देता। एक प्रकरण ऐसा थाने पर संज्ञान में आया थाने पर, और महिला द्वारा इस पर पहली दी गई संबंध में, जिस पर समुचित धाराओं में अभी FIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। दूसरी ओर घर के आंगन में चिलचिलाती धूप में पन्नी के नीचे मीना देवी अपनी तीन बेटियों के साथ बैठी कभी अपने घर को तो कभी कानून व्यवस्था को देख रही है कि उसको क्या इंसाफ मिलेगा और उसका उजड़ा हुआ घर कैसे आबाद होगा। एबी न्यूज़ के लिए बरखेड़ा के ग्राम दौलतपुर से प्रियंक पाठक की दिल को झकझोर देने वाली ये रिपोर्ट। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई या कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।